हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को लेकर। आपका जो रिजल्ट है उसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। पूरा आपको प्रूफ के साथ बताएंगे। जो आपको यहाँ अपडेट बता रहे हैं वो हिंदुस्तान के पेपर में निकला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो भी अपडेट बताया जाता है 110% ऑथेंटिक रहता है। हम दूसरे यूट्यूबर जैसा फेक न्यूज़ आपको प्रोवाइड नहीं कराते हैं। हमारा मेन मकसद होता है जितने भी यहाँ गाँव के बच्चे जुड़े हुए हैं या बिहार बोर्ड के बच्चे जुड़े हुए हैं, उनका छात्र हित में काम हो। उनको हम लोग डिस्ट्रैक्शन के लिए यहाँ वीडियो प्रोवाइड नहीं कराते हैं। तो आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए। आज मैं नहीं कहूँगा कि आप वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपका मन रहेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए आइएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये आप पर है। आज देखते हैं कि अब बिना कहे आप लोग कितना हम मेरे बात को मानते हैं, आप लोग के लिए इतना हम लोग मेहनत करते हैं, आप लोग को एक एक न्यूज़ सही प्रोवाइड कराते हैं। जो कल बताए हैं कि रिजल्ट का डेट इतना को आने वाला है, उसका प्रूफ आज शुरू हो गया। आप देख सकते हैं काउंटडाउन शुरू हो गया है। जब रिजल्ट का डेट नहीं घोषित करता तो काउंटडाउन शुरू होता। तो चलिए आपको प्रूफ की तरफ लेके चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर यहां पे दिखाई दे रहा होगा बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट को बनने लगी मेघा सूची। आपका मेघा सूची बनना स्टार्ट हो गया है। आप देख सकते हैं आपको यहां जो भी न्यूज़ प्रोवाइड कराया जाता है 110% ऑथेंटिक रहता है। हमारे बिहार के सब्सक्राइबर अच्छे रहते हैं, जेंटल रहते हैं और उनको कोई भी बेवकूफ़ बना देता है। इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि आप लोग बेवकूफ़ नहीं बनिए, आप लोग मैट्रिक पास करने वाले हैं, इंटर पास करने वाले हैं, आप लोग जागरूक रहिए। इसलिए हमारा चैनल भी बना है, जितना हो सके आप लोग का छात्र हित में काम हो। रिजल्ट जैसे ही आएगा तो आपको गूगल पर सर्च करना है स्टडी गवर्नमेंट एग्जाम STUDY GOVT EXAM स्टडी गवर्नमेंट एग्जाम, और इसको सर्च कर लेना है। जैसे ही सर्च कीजिएगा तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आएगा स्टडी गवर्नमेंट एग्जाम, इस पर आपको क्लिक कर देना है। बिहार बोर्ड का जैसे ही 10वीं और 12वीं का नतीजा आएगा सबसे पहले यही वेबसाइट पर आपको आएगा। देख सकते हैं इस वेबसाइट पर डेली आप लोग विजिट कीजिए, डेली एक नया आर्टिकल आपके रिजल्ट के रिगार्डिंग आता है। और आप लोग इस वेबसाइट पर जाके देखिए नीचे जाना है और नीचे जाके आप लोग को यहाँ पर कमेंट करना है अपना रोल नंबर, यहाँ पर रोल कोड और मोबाइल नंबर आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोग का जैसे ही रिजल्ट आएगा सबसे पहले ये लोग आपको रिजल्ट प्रोवाइड करा देंगे। नाम याद रखिएगा वेबसाइट का स्टडी गवर्नमेंट एग्जाम STUDY GOVT EXAM। देखिए आज भी यहाँ पर एक आर्टिकल आ गया है रिजल्ट के रिगार्डिंग, डेली यहाँ पर ये लोग आपको विजिट कर देते हैं। तो आप लोग एक बार इस वेबसाइट पर आके डेली विजिट करते रहिए। तो आप देख सकते हैं आपका इंटर रिजल्ट का काउंट डाउन शुरू हो गया है, मेघा सूची बनने लगा है। बिहार बोर्ड ने इंटर रिजल्ट की तैयारी शुरू कर दी है। बोर्ड तीनों संकायों में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिका सभी जिलों से मंगवाने लगा है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को उत्तर पुस्तिका उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया गया है। जिन परीक्षार्थियों को उच्चतम अंक प्राप्त हुए हैं उनकी उत्तर पुस्तिका का सत्यापन किया जाएगा। इसके लिए बोर्ड ने सभी जिलों में 76 कर्मियों को लगाया है। सभी कर्मियों द्वारा मूल्यांकन केंद्रों से उत्तर पुस्तिकाएँ बोर्ड लाई जा रही है। सभी विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं से उनके अंकों का मिलान किया जाएगा। इसके बाद सभी विद्यार्थियों को बुलाकर भौतिक सत्यापन होगा। मेघा सूची में शामिल टॉपर्स के चयन में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो इसके लिए एहतियात बढ़ती जा रही है। जिन विद्यार्थियों को उच्चतम अंक प्राप्त हुए हैं उनका इंटरव्यू भी होगा। तो आप देख सकते हैं आपका उत्तर पुस्तिकाएं चेक होने के बाद अब रिजल्ट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। टॉपर्स का नंबर का वेरिफिकेशन किया जा रहा है, इंटरव्यू के लिए 1 से 2 दिन में बुलाया जाएगा। और आपको पता है कि इंटरव्यू जब मतलब जो टॉपर छात्र होते हैं, टॉप 20 छात्र होते हैं बिहार बोर्ड के, उनको 2017 से इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है। और इंटरव्यू के बुलाने के ठीक मतलब 4 से 5 दिन बाद रिजल्ट घोषित कर देता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। आगे लिखता है बोर्ड की माने तो इस बार बोर्ड ने रिजल्ट तैयारी के लिए नया सॉफ्टवेयर विकसित किया। मैंने आपको बताया था कि एक नया सॉफ्टवेयर है। कॉपी चेक होने के बाद आपका रिजल्ट टेबुलेशन में अब समय नहीं लगेगा, क्योंकि बिहार बोर्ड ने एक नया टेबुलेशन के लिए एक सॉफ्टवेयर जारी किया था जिससे ये लोग को जल्दी रिजल्ट बनाने में मदद मिल रहा है। इसके बाद लिखा हुआ है इससे मूल्यांकन के साथ ही रिजल्ट भी तैयार हो रहा था।
मूल्यांकन के साथ साथ रिजल्ट तैयार हो रहा था, इसके लिए अलग से आपका कोई एफर्ट नहीं लगा रहा था बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, इसलिए मैं बोल रहा था कि आपका जल्दी रिजल्ट आएगा। देखिए आगे लिखता है, ज्ञात हो कि बोर्ड द्वारा मार्च में ही रिजल्ट जारी घोषणा करने की पहले ही हो चुकी है। तो ज्ञात हो कि बोर्ड द्वारा मार्च में रिजल्ट जारी करने की घोषणा पहले ही किया जा चुका है। ये देखिए खुद बोर्ड ने, बिहार बोर्ड ने घोषणा किया है कि मार्च में ही रिजल्ट आएगा इंटर का, मैंने भी आपको बता ही दिया है कल। तो अब आप लोग का मन रहेगा तो ये वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप लोग खुद समझदार हैं, मैट्रिक पास होने वाले हैं, इंटर पास होने वाले, आप लोग को पता होना चाहिए कि कौन यूट्यूबर आपको सही नॉलेज दे रहा है। कोई भी आपको फेक नॉलेज दे रहा है उसको खूब आप लोग शेयर करते हैं, और हम लोग अच्छे यूट्यूबर हैं तो आप लोग ना शेयर करते हैं ना लाइक करते हैं। तो आप लोग अब, आज मैं नहीं बोलूँगा कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये आप लोग पे डिपेंड करता है कि आप लोग कितना हमको सपोर्ट करते हैं। अभी आप लोग इंटर पास कीजिएगा, मैट्रिक पास कीजिएगा, इसके बाद बिहार बोर्ड के सारे यूनिवर्सिटी जो बिहार में आते हैं, चाहे वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय हो, मगध विश्वविद्यालय हो, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय हो, बिहार यूनिवर्सिटी हो, जो भी आपका यूनिवर्सिटी बिहार में 11 यूनिवर्सिटी है, उसका पल पल की खबरें यहाँ प्रोवाइड कराया जाता है यूनिवर्सिटी न्यूज पर। तो आप लोग का मन होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हमारे फेसबुक पेज को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो आप लोग लाइक कर सकते हैं। तो जितना हो सके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। एक और देखिए बड़ी खबर निकल के आ रही है मैट्रिक परीक्षार्थियों के लिए, एक और देखिए बड़ी खबर निकल के आ रही है, जो मैट्रिक मूल्यांकन 17 मार्च तक होना था उसको 22 मार्च तक बढ़ा दिया गया था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से 3 दिन और बढ़ा दिया गया है। एक बड़ी खबर बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षार्थियों के लिए, मैट्रिक मूल्यांकन अब 25 तक, बिहार बोर्ड ने मैट्रिक मूल्यांकन की तिथि विस्तारित कर 25 मार्च कर दी है। बोर्ड की माने तो पहले 22 मार्च को ही मैट्रिक मूल्यांकन समाप्त करना था, लेकिन अब तिथि बढ़ाकर 25 मार्च कर दी गई है। बोर्ड ने सभी मूल्यांकन केंद्रों को 22 मार्च को मूल्यांकन नहीं करने का निर्देश दिया है। देखिए आज मूल्यांकन नहीं हो रहा है आपको पता है, इसलिए ये डेट को बढ़ा के 25 मार्च करना पड़ा है। तो जितना हो सके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।